अच्छा माइक खोली। आइए कहो दिल से मोदी फिर से के फेसबुक पेज पर आपसे फिर से रूबरू हो रही हूँ। मोहित जी और अरविंद जी की वजह से अभी कुछ दिन पहले ही आपसे मुलाकात हुई थी, फिर से रिक्वेस्ट पे मैं आपके बीच आई हूँ। तो आइए गीत और संगीत इसी तरह से महफिल सजाते हैं और कहते हैं कि ऊपर वाले से इजाजत देना है, वही छोटा सा श्लोक के साथ उस ऊपर वाले से इजाजत देते हैं। तो आइए प्यारे से लगने के साथ आपके बीच आ रही हूं आपका। अगर आपको अच्छा लगा, अच्छा ही लगा हो तो आइए ऐसा ही प्यारा सा नगमा आप पेश कर रही हैं। और मिले मिले तो आइए प्यारा सा नगमा पेश कर रही हूँ, क्योंकि भाई आप बड़े नसीब से मिले हैं हमें। तो दिल तो यही कहेगा दोस्तों जो मैं आपसे कहने जा रही हूं। तो आइए दिल की बात कह रही हूं। भाई आप कई दिनों बाद मिले हैं और नसीबों से मिले हैं और ये वक्त किस्मत से चुराया है। तो आइए इस बात को मैं अपने अंदाज में आपसे कहने जा रही हूं, आशा करती हूँ पसंद आएगा।
आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। तो आइए एक और प्यारा सुनोग पेश करेंगे और मैं सोच रही हूँ कि मैं वो नगमा गा दूं मुझे नौ नखा मगा दे सैया दीवानी। अब यहाँ पर जितने भी सैया सबके दीवाने बैठे हैं खास तौर से उन्हीं से मैं कह रही हूँ या किसी के सैया हैं या होने वाले हैं तो मैं नहीं नहीं मैं भड़का नहीं रही हूँ मगर ये हक बनता है। तो ये बहुत ही प्यारा सुनोग पेश कर रही हूँ शराबी का वो नगमा चूंकि मुझे बहुत पसंद है और अच्छा लग रहा है कोशिश करिए बट कोशिश है
वैसे तो आप जानते हैं ये युगल सॉन्ग है, किशोरदा का भी इसमें पार्ट था। कोशिश की मैंने और काफी लंबा सॉन्ग नहीं है। वेल, आपका प्यार है इसलिए तो मैं गा पा रही हूं। तो आइए एक और प्यारा सा नगमा आपके बीच पेश करें। और आइए आपको नया गीत सुना रही हूँ, पिच का है। और आइए कोशिश है, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे नगमा। Thank you.
अच्छा लगा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और नजर के सामने आइए, एक आशिक तो हर इंसान करता है, नहीं सांसों के थैंक यू। और दोस्तों मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो लोग लॉकडाउन के समय में प्रवासी मजदूर कहीं भी फंसे हुए हैं, बहुत दूर दूर से पैदल चलकर किसी तरह अपने घर तक पहुंचना चाहते हैं, अपनों के पास जाना चाहते हैं, तो प्लीज जो लोग भी सक्षम हैं और जिनके नजरों के सामने ये नजारा है, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। कहते हैं एक इंसान के करने से कुछ नहीं होता है, जब तक एक गीत है ना, साथ हाथ बढ़ाना, उसी तरह जब आप साथ देंगे तो हर गरीब हर मजदूर यार है किसी और का तो चाहता अपने घर पहुंच सकेगा। प्लीज प्लीज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट कर कि आप उन लोगों की मदद करें ताकि वो अपने मंजिल पर पहुंच जाएं, अपने परिवार से मिल सके। रास्ते में भूखे प्यासे बेचारे कई कई मीलों से चले आ रहे हैं, उनका दुख दर्द हम बयां भी नहीं कर सकते, तकलीफ होती है देखकर सुनकर, मजबूरी है कि हम घर से निकल भी नहीं सकते। पर जो सड़कों के किनारे हाईवे पर जिनका घर है, जो संगठन है, किसी का ग्रुप है हैक करने के लिए, तो प्लीज, वैसे तो हमारा हिंदुस्तान इस चीज में बहुत आगे है, मदद करने में सहयोग करने में सदैव आगे रहता है। जब कभी कुंभ मेला लगता है, माघ मेला लगता है, तो लोग भंडारा कराते हैं, कोई भी पर्व होता है लोग भंडारा कराते हैं। अगर अब आपने भंडारा खिलाया तो जो आप कोई पर्व पे या माघ मेले में, कुंभ मेले में, गंगा किनारे, शिवरात्रि पर कहीं भी आप भंडारा खिलाते हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा। अगर आप इन गरीबों की मदद, इन्हें खाना पानी कुछ भी मदद है, तो चलिए उन्हें घर पहुंचाने की कोशिश करिए। जो कर सकते हैं प्लीज, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, गुजारिश करती हूँ। तो आइए, शुक्रिया आपने मेरी बातों को सुना, और आइए मोहब्बत भाई, कोई भी खूबसूरत होता है, हंसी होता है तो उसे पर घमंड होता है, गुरूर होता है, पर मैं आपको कुछ ऐसा ही कहने जा रही हूँ। मेरे हद है सी
थैंक यू शुक्रिया कैन, शुक्रिया। और मैं, हाँ जी, मोहब्बतें तो चलिए, वाकई में बहुत ही प्यारा सिनेमा है फिल्म मोहब्बतें का, और कोशिश करूंगी भाई, कोशिश कामयाब होती है तो मैं कहूंगी कि आप जरूर कोशिश करें। वेल, आपकी फरमाइश है, अच्छा लगा कि आपने फरमाइश की। और मैं बता दूं, नेट नहीं था इसलिए मैंने, आपने जो मुझे फरमाइश की थी वो मैं निकाल नहीं सकी ट्रैक, उसके लिए माफ़ी चाहूंगी आपसे। और वेल, अभी आपने फिल्म मोहब्बतें का वो नगमा सुनना चाहे, जाहिर सी बात है दोस्त, हमको हमेशा चिरा, तो मैं आपसे यही कहूंगी।
पसंद आया, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। नमो मोहित जी, तारीफ के लिए शुक्रिया। सिंगर प्रिंसी शिवहरे, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरा ये गीत सुन रहे हैं, और अगर कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, तो इंसान से ही गलती होती है। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छा लगा कि आपकी तारीफ कर रहे थे मोहित जी, कि आप इनके पेज से जुड़ी हुई हैं और हर प्रोग्राम को देखती हैं। बहुत अच्छा, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और अच्छा लग रहा है कि आप मेरा ये गीत सुन रही हैं। प्रिंस जी, आपकी कोई फरमाइश हो तो प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि यही कहूँगी कि शायद इस जन्म में मुलाकात होना, लक्ष्य गले से ऐसी रात होना। गल आइए, और तेरा सनगमा में कौन सा लगा है? वो कितने भी तू कर लो, आशा जी का सॉन्ग। आइए, आशा जी का ये सुना रही हूँ, फिर सनम तेरी कसम। एक नई सनम तेरी कसम, वो नहीं पुरानी, वीर जारा का। और रीना राय जी, कमल हसन जी की एक मूवी है, मेरी बहुत फेवरेट है वो। तो हंस हंस के सही
थैंक यू। मैं हाँ जी, वाह 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 क्या बात है। कभी कभी मुझे पीने मेरे दिल में ख्याल आता है, भाई सभी के दिल में ख्याल आता है। मुझे पीने का शौक। अच्छा, मुझे पीने का शौक है। भाई लॉकडाउन चल रहा है, माना कि सरकार ने दुकान खोल दी है यूपी में, तो देखिए टैग पे मेरा सेट नहीं है, मगर कोशिश करूंगी। कोशिश कर रही हूँ, देखिए अभी अभी आपकी फरमाइश इसलिए टैग मिल भी गया है, कोशिश कर रही हूँ, गलती हो जाए तो। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। अरे लोग शादी होती तब भी खुश होके पीते हैं, इसमें गम को क्यों दोष दे रहे भाई। पीना है तो किसी भी कहते हैं ना, गम का दौर हुआ हो खुशी शबाबाद दी है शराब, गम का दौर हुआ हो खुशी शबाबाद दी है शराब, एक मशवरा है जनाब के। बहुत महंगी हो गई, थोड़ी थोड़ी पिया करो। चलिए ये तो हंसी मजाक है, मैं आइए। मैं मुझे पीने का शौक नहीं, क्या है क्या निकालिए, कोशिश करती हूँ। ये भी युगल सॉन्ग है पर मुझे
कोशिश की अच्छा लगा आपको, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। और चलते चलते वाकई में आज के जमाने में हर इंसान को इसकी बहुत जरूरत है, इसकी मतलब सांसों की जरूरत है, जैसे जिंदगी के लिए एक सनम चाहिए, एक पति चाहिए, एक प्रेमी चाहिए, आगे नहीं बोलूंगी। आशिकी के लिए भाई, आशिकी तो हम इन्हीं से कर सकते हैं, और आशिकी का भी कई रूप है, इश्क प्यार मोहब्बत, ये इश्क प्यार मोहब्बत सब कुछ हमेशा बहुत नसीब वाले जिनका पूरा हो जाता है हमेशा अधूरा रहता है। क्यों?
आप जानते हैं, क्योंकि इन चीजों में, इन नामों में आधा चीज लगा हुआ है, इश्क में आधा शाम, प्यार में आधा पा, मोहब्बत में आधा पा। पर दोस्तों, जो नसीब वाले होते हैं उन्हें उनकी मोहब्बत मिलती है। और इतना ही कहूंगी दोस्तों कि मोहब्बत महसूस करने की चीज होती है। और इतना ही कहूंगी, मेरी बातों को समझिएगा, वाकई मोहब्बत को समझते हैं, इन्होंने सच्ची मोहब्बत की है, उनके लिए यही है ये छोटा सा थॉट। आप लोग स्वस्थ रहिए, और मोहित जी और अरविंद जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपसे फिर से उन्होंने मिलने का मौका दिया। तो दोस्तों, कोई गलती हो गई हो तो माफी चाहूंगी, और शुक्रिया गीतों के लिए। जय हिंद, जय भारत। और आइए, चलते चलते आपसे जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, गुड नाइट, शब है।